बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडेज़ क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ L1 इन डायरेक्ट मेथड, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज का डायरेक्ट मेथड में क्या किरदार है। सवाल ये पूछा जा रहा है, व्हेन अ पर्सन लर्न्स द फर्स्ट लैंग्वेज देयर इज़ नो ट्रांसलेशन फ्रॉम अनदर लैंग्वेज, दे हैव नथिंग टू बेस इट ऑन, द डायरेक्ट मेथड अप्रोच बिलीव इन ट्राइंग टू मिमिक फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, इट फॉलोज द नेचुरल ऑर्डर्स इन विच आर चिल्ड्रन लर्न L1, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज, दैट इज लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, लर्नर्स लर्न लैंग्वेज नॉट अबाउट द लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट लैंग्वेज में डायरेक्ट मेथड के रोल के बारे में बताना है कि वो क्या है। तो जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो होती है मदर टंग, जिसको बच्चा अनकॉन्शियसली सीखता है, मिमिक करता है, नकल करता है, वो सुनता है, देखता है और बोलता है, लाशौरी तौर पर वो उसको सीखता चला जाता है। और इस लैंग्वेज को बच्चा नेचुरली लर्न कर रहा होता है, इसके लिए हमें उसे कोई मतलब सिखाने की या उसको उसकी ग्रामर सिखाने की, कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो लैंग्वेज है ये बच्चा सुन के सीख लेता है और फिर उसको बोलने लग जाता है। अब इस लैंग्वेज में होता क्या है कि बच्चा उस लैंग्वेज को एज अ लैंग्वेज तो सीख लेता है लेकिन उसके मुतालिक नहीं सीखता, यानी कि वो लैंग्वेज के मुतालिक नहीं सीखता कि ये लैंग्वेज किसने किस तरह से इन्वेंट हुई है, इसको इसका ग्रामर का मेथड क्या है, इसकी ग्रामर के रूल्स क्या है, सुन सुन के उसको आ जाती है और ये डायरेक्ट मेथड से होता है, यानी कि वो जो सुनता है वही बोलता है। जबकि अगर हम सेकंड लैंग्वेज की बात करें तो उसमें हमें बच्चे को एक एक चीज़ सिखानी पड़ती है, रूल्स सिखाने पड़ते हैं उस लैंग्वेज को बोलने के, उसका एक्सेंट सिखाना पड़ता है, उसकी वोकैबुलरी सिखानी पड़ती है, उसके जुमले जो होते हैं उनको लिखते हुए बोलते हुए उनके सारे रूल्स को सिखाते हैं, उनके ट्रांसलेशन मेथड को सिखाते हैं कि अगर इस जुमले को हम सेकंड लैंग्वेज में बोलते हैं तो क्या स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे और इसकी मीनिंग क्या होगी जुमले की। तो ये सारी चीज़ें सेकंड लैंग्वेज में तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है L1, वो बहुत ही आसानी से बच्चा डायरेक्ट मेथड के थ्रू सीख लेता है। और डायरेक्ट मेथड क्या है कि आप बच्चे के सामने एक जबान को बोलें, परफॉर्म करें और वो लाशौरी तौर पर उस चीज़ को सीखता जाएगा।